The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about वॉट कैन यू डू टू कीप योर यूरिनरी ब्लैडर आपकी किडनी आपके पेशाब की हेल्दी रखने के लिए आप क्या कर सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक काफ़ी सारे लोग हार्ट के बारे में बात करते हैं लिवर किडनी के बारे में बात करते हैं फेफड़ों के बारे में स्मोकिंग बंद करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर यूरिनरी ब्लडर के बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन बहुत ज़रूरी है भाई साहब उम्र के साथ एक समय आएगा जब सबसे ज़रूरी आपके लिए ब्लैडर हो जाएगा दुनिया की कोई चीज़ और मायने रखेगी बोले कि बस मेरा ब्लड ठीक कर दो मेरा यूरिन ठीक कर दो मेरे को पेशाब नहीं आए या ज़्यादा आए या कम आए सो आपके लिए जानना जरूरी है कि भाई साहब आप अपने ब्लैडर को हेल्दी यूरिनरी यूरिनरी सिस्टम को हेल्दी कैसे रख सकते हो क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो उसको खराब कर रहा है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों आपको इन्फेक्शन भी होगा दिक्कत भी होगी परेशानी भी होगी सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट बिकॉज एडल्ट एक्चुअली आप सोचो क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आदमी अपनी जिंदगी का राइट right? सोचो सोचो ये आट पासिस यू पास कितना सारा समय है एक्चुअली यू यू हैव टू अंडरस्टैंड सो इट्स अ डेली रूटीन यू थिंक अबाउट फूड यू थिंक अबाउट एवरी थिंग बट यू आर टू थिंक अबाउट यूरिन ऑल्सो राइट यू आर यू आर पास सो मच एंड अड डर पास अबउट अ क्वार्टर एंड हाफ ऑफ यूरिन थ्रू द ब्लैड एंड आउट ऑफ द ब्लैड आउट ऑफ द बॉडी एवरी डे सो रोज रोज का यूरिन करना रोज रोज तो उसकी हेल्थ के बारे में तो पता होना चाहिए बेसिक और जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाओगे ब्लैडर प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे ब्लैडर इंफेक्शन यूरिनरी इनकॉन्टीस इन्फेक्शन किडनी स्टोन किडनी इन्फेक्शन ये सारा रीनल डिजीज बहुत सारी प्रॉब्लम डायबिटिक प्रॉब्लम एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो यू नीड टू नो सम स्टेप्स सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉप टेन थिंग्स जो आप कर सकते हैं किडनी के लिए राइट नंबर वन इज फ्लूड यस ड्रिंक इनअ फ्लूइड कई लोग पानी कम पीते हैं सबसे बड़ी सबसे खूंखार खतरनाक गलती ड्रिंक लेस वाटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिंकिंग लेस वाटर इज वेरी बैड ड्रिंक मोर वाटर इनअ फ्लूड्स छः आठ ग्लास एट टू टेन ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीना है आपको वो सारी बीमारियों से बचाती है किडनी की आपको डिहाइड्रेशन डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों से आगे चल के बचाएगी सेकेंड थिंग लोग करते हैं दारू पी लेते हैं तो इफ़ यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ यू नो a lot ऑफ अल्कोहल दारू जब पियोगे तो क्या हो जाएगा डायूरेसिस होता है दारू पीना या कैफ़ीन पीना दोनों ही कॉफ़ी चाय कॉफी दारू या ग्रीन टी या वटेवर ये अगर ज़्यादा पी रहे हो आप तो वो डायूरेसिस करता है पेशाब में पानी ज़्यादा निकाल देता है सो इवन चॉकलेट चॉकलेट कॉफ़ी टी सोडा ये सब यूरिन ज़्यादा निकाल देगा डिहाइड्रेट कर देगा सो योर किडनीज आपके ब्लैडर में प्रॉब्लम होगी अगेन जनहित में जारी स्मोकिंग सब चीज़ों के लिए खराब है स्मोकिंग इज़ बैड सो यू नीड टू स्टॉप इट वरना प्रॉब्लम्स आएगी क्या प्रॉब्लम आएगी इन्फ्लामेशन बढ़ेगा थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है ज़्यादा बढ़ेगा देन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बिकॉज कॉन्स्टिपेशन होगा ताकत लगा लगा के वहां पे इनकॉन्टिनेंस हो सकता है ब्लैडर प्रॉब्लम हो सकता है कॉन्स्टिपेशन खराब है सो आपको फाइबर uh, ज़्यादा खाना है वेजिटेबल्स होल ग्रेन फ्रूट्स ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी है होल्ड ऑन हेलो हाँ, पांच मिनट तो रिचा मैम आ रही है तो उनसे दिखा देना क्या दिक्कत है हाँ तो पांच मिनट में आ रहा हूं <coughs> सॉरी सबको भाई साहब सब जगह जाना ऐसे पॉसिबल नहीं होता सो वी आर सो मच इन डिमांड क्या कर सकते हैं एनीवेज सो ईटिंग प्लेंटी ऑफ फाइबर फ्लूइड्स इज इंपॉर्टेंट जैसे कि होल ग्रेन वेजिटेबल फ्रूट्स बहुत सारा पानी पीना है फिजिकली एक्टिव रहना है इन सब चीज़ों से क्या होगा आप कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करेंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारा अलग से वीडियो है कब्ज कॉन्स्टिपेशन वॉच दैट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन ऑब्वियसली अगर आपका वजन बढ़ जाएगा ना तो भी यूरिन में किडनी में प्रॉब्लम आने लगता है बिकॉज यू इन उसमें हाइजीन प्रॉब्लम्स उसमें दिखना मुश्किल बहुत सारी और पेट इतना बड़ा है दिखता ही नहीं किसी को भी क्या हो रहा नीचे है बहुत बेकार नॉट गुड सो कीप अ हेल्दी वेट उसके लिए हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हेल्दी वेट ज़रूरी है तो एक्सरसाइज रेगुलरली अनदर पॉइंट फिजिकल एक्टिविटी से इवन ब्लैडर की प्रॉब्लम्स इन्फेक्शंस कॉन्स्टिपेशन इन सब में इन सब में मदद मिलती है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इज़ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जैसे कीगल एक्सरसाइज कीगल एक्सरसाइज पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारा सो so, उसमें क्या करना है यूरिन को होल्ड करने के लिए जो मसल्स है उसको टाइट करना है रिलैक्स करना है टाइट करना है रिलैक्स करना है कैन डू इट एनी वेयर एनी टाइम सुबह थोड़ा शाम को थोड़ा दैट विल हेल्प यू कि आपका इनकॉन्टीनेंस ना हो जाए यूरिन निकल ना जाए कंट्रोल बेहतर हो और बहुत सारे फायदे होते हैं लॉन्ग टर्म लंबे समय में फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो so, अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूरिन आ रहा है बाथरूम आ रहा है तो भाई साहब उसको रोक के मत रखो अर्ज को जाके कर दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू यू नो होल्ड योर यूरिनेशन यूरिन योर अर्ज मिक्चुरेशन अर्ज बहुत ज़्यादा देर के लिए जितनी बार आ रहा है उतनी बार करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चलना पड़ेगा और क्या इट्स नॉर्मल टू गो टू मिक्चुरेट एवरी थ्री टू फोर आवर्स हर तीन से चार घंटे में एक बार जाना नॉर्मल है राइट पेशाब होल्ड होल्ड करके रखोगे तो ब्लैडर मसल्स कमजोर हो जाती हैं कोई फैलती जाएंगी ना भर भर के भर के भर के फैल कमजोर हो जाएंगी फायदा कुछ नहीं आगे चल के इन्फेक्शंस भी होंगे डोंट डू दैट राइट एंड और टाइम लगाओ आराम से ऐसे नहीं जल्दी से मेरे को जाना मेरे को जाना मेरे को जाना जल्दबाजी में कोई यूरिन मत करो प्यारी टाइम लगाओ प्यार से पूरा एम करो ब्लैडर को दैट इज दिस इज इंपॉर्टेंट एट वी डोंट वी डोंट थिंक अबाउट इट बट ये बहुत जरूरी छोटी चीज़ है बट जरूरी है राइट right? पूरा ब्लैडर को एम करना है इंपॉर्टेंट ताकि ब्लैडर इन्फेक्शन ना हो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट यूरिन कोई हिस्सा अगर वहीं पड़ा पड़ा रहेगा वो भी खराब है राइट right? एंड जब पेशाब कर रहे हो यू नीड टू बी रिलैक्स्ड टू बी रिलैक्स्ड बिकॉज इट इज ईियर टू एमटी ब्लैडर है ना फीमेल्स के लिए इट वुड भी आप इट इज़ बेस्ट अगर आप फीमेल्स होवर करेंगी मतलब टॉयलेट सीट के ऊपर तो वो दिक्कत करता है बेस्ट इज टू सिट ऑन द टॉयलेट सीट यू कैन यूज द सैनिटाइजिंग सिस्टम वट एवर यू हैव इफ यू आर नॉट यूजिंग इट एट होम राइट दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली वाइपिंग ऑफ द सीट इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज फीमेल्स में बिकॉज उनका विजाइना और एनस यूरिनरी आउटपुट सारे आसपास ही हैं तो इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बैक टू फ्रंट पीछे से अगर सामने ऐसे करेंगे सोचो 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 पीछे से अगर आगे करोगे तो पीछे से एनल रीजन से आप बैक्टीरिया उठा के आप अपने विजाइना या यूरिनरी जगह पे घुसा दोगे तो उधर लग जाएगा बिकॉज दैट इज़ रॉन्ग सो यू नीड टू वाइब द फ्रंट टू बैक आगे से फ्रंट टू बैक वाइप करना है नॉट ऑपोजिट राइट एनल फ्रिंगटर बहुत टाइट होता है आपके लैटरिन का रास्ते की जगह के फिंगटर बहुत टाइट होता है वहां अंदर कुछ नहीं बैक्टीरिया नहीं जाएगा इसलिए फ्रंट टू वाइप सामने से पीछे वाइप करना है पीछे से आगे वाइप नहीं करना रिमेंबर दैट और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूरिनेट आफ्टर सेक्स ये कोई नहीं बताता सेक्स करने के बाद सेक्शुअल संभोग के बाद आपको जाके पेशाब करना है दोनों के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए टू फ्लश अवे द बैक्टीरिया जो कि सेक्स के दौरान आपके वेजाइना यूरिथ्रा उसके अंदर एंटर कर सकते हैं बिकॉज यूरिथ्रा यूरिथ्रा में दूसरे पर्सन के कपड़े दूसरे को सारा एक्सपोजर होता है इधर उधर टच करते हैं तो दैर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्फेक्शन उसमें घुसे सो यू शुड ऑलवेज डू यूरिनेशन आफ्टर सेक्स इंपॉर्टेंट है और वेयरिंग अंडरवेयर्स यू शुड वेयर कॉटन अंडरवेयर्स लूज फिटिंग क्लोथ्स दिज आर गुड फॉर योर एरिया उससे क्या होगा हवा अंदर जाती रहेगी मॉइस्चर नहीं रहेगा ज्यादा तो फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस uh, कम हो जाएंगे दिस इज अ टाइट फिटिंग जीन्स लाइन नाइलॉन के अंडरवेयर तो बहुत ही खराब रहेगी उसमें बैक्टीरिया और मॉइस्चर दोनों को ट्रैप करेगी सो so ये सारी बातें अगर आप करेंगे तो आपका यूरिन प्रॉब्लम्स ना के बराबर आएंगे या अगर किसी को है भी यूरिन प्रॉब्लम किसी को क्रोनिक यूटीआई किसी को प्रॉब्लम्स हैं तो ये सब करने से उनकी बीमारी में काफ़ी सारी मदद मिलेगी सो डू दिस एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन मेक श्योर टू फॉलो अस एवरीवेयर और हर एक वीडियो को लाइक करना जरूरी है कंपलसरी है ताकि यूट्यूब उसको सपोर्ट उसको रिकमेंड करे आप सपोर्ट करते हो तो किया करो डजेंट मैटर वो वीडियो आप के काम का है या नहीं है आपके कंसर्न का है वीडियो को लाइक like कर दो शेयर मत करो चाहे लाइक like तो कर दो ठीक है थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी